नरेंद्र मोदी के बारे में कहा गया कि एक पिछड़े व्यक्ति हैं, प्रधानमंत्री बने हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन जो पिछड़ा वर्ग है और जो अनुसूचित जाति वर्ग है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों नहीं जुड़ पा रहा है? ऐसा कौन खड़ा क्यों जुड़ रहा है? आज भारतीय जनता पार्टी के 2014 में प्रचंड बहुमत की सरकार आई, बिना अनुसूचित बिना पिछड़ा वर्ग के नहीं ना गई। आज उत्तर प्रदेश में पिछले 2017 मार्च में 403 में 325 सीटें भाजपा और प्लस उनके गठबंधन ने जीता, तो इसमें बहुत बड़ा योगदान अनुसूचित वर्ग का और पिछड़े वर्ग का रहा है। सर्व समाज और जो भारतीय जनता पार्टी और संघ की जो विचारधारा है विराट हिंदुत्व की, और किसी को हम हाशिए पर नहीं छोड़ेंगे, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभियान शुरू किए हैं, अभी उन्होंने लॉन्च किया है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जिसमें कि ऐसे लोग जो असंगठित क्षेत्र में, चाहे मोची का काम करने वाले हों, रिक्शा चलाने वाले हों, उनके लिए पेंशन की व्यवस्था सरकार ने किया है। और कोई भी वर्ग हमसे अछूता न रहे, कोई ऐसा वर्ग न रहे, कोई ऐसा व्यक्ति न रहे, कोई ऐसा परिवार न रहे जिसके लिए सरकार की योजनाएं न हो, सरकार की योजना सबके लिए हो, ताकि सबको महसूस हो कि हम सरकार में हैं, सरकार हमारे लिए है। उन उद्देश्यों पर निरंतर मोदी जी और योगी जी की सरकार काम कर रही है, और हमें विश्वास है कि जो भी हमारे मूल विषय हैं, जैसे मूल विषय है देश को मजबूती प्रदान करने का, विराट हिंदुत्व का, सर्व समाज को लेकर पार्टी और सरकार आगे बढ़ रही है। जब भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी में बगावती सुर कहाँ से उठ रहे हैं? शत्रुघ्न सिन्हा क्यों बगावती हो रहे हैं? देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी 1951 से आज तक जिसका वर्टिकल डिविजन नहीं हुआ, पहली ऐसी पार्टी है। इसके अलावा सारी पार्टियों को देख लीजिए, दुनिया में ऐसी कोई पार्टी नहीं जो इतने कम से इतना राइज की हो। आज कम्युनिस्ट पार्टियां जब हमारी पार्टी शुरू की तो राष्ट्रीय पार्टियां थी, आज वो कहाँ चली गई? एक सीपीआई से सीपीएम, सीपीआई एमएल और इतनी सारी पार्टियां निकल के चली गई, एक जनता दल से 20 जनता दल, जनता दल यू, जनता दल आर, जनता दल एस, जनता दल डी, आरएलडी, तमिलडी, तमाम पार्टियां निकल गई, लेकिन अकेली ऐसी पार्टी है जिसका आज तक विभाजन नहीं हुआ है, और यही लोकतांत्रिक पार्टी है। आज अमित शाह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, कल भाजपा से कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा तय नहीं है। दूसरी पार्टियों में तय है कि मुलायम सिंह अखिलेश यादव ही होंगे, लालू के तेजस्वी ही होंगे, और वहाँ राहुल जो हमारे किसी ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ता से डिबेट नहीं कर सकते वही राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, और एक में आज राजनीति में आज राष्ट्रीय महासचिव हो गई, हम लोग 20 साल से पार्टी में शत्रुघ्न सिन्हा। जो भी ऐसे लोग हैं, मन किसका कहाँ भग जाएगा, लेकिन वो पार्टी में कोई बगावती सुर नहीं है, उनके व्यक्तिगत कुछ विचार है, अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं, और हर व्यक्ति समाज में स्वतंत्र है कहीं जाने के लिए, लेकिन कभी भी शत्रुघ्न सिन्हा या साध्वी वो सावित्री फुले ने लोकसभा के फ्लोर पर सदन में कभी भी हमारे खिलाफ वोट नहीं किया, अंतिम सत्र तक भी वोटिंग और वो बैठते रहे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। लेकिन ये भी तो उसमें सत्य है कि वो ममता बनर्जी के साथ उन्होंने शेयर किया, उन्होंने कहा कि चौकीदार को जवाब देना पड़ेगा, तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरीके का जो बगावती सुर, भारतीय जनता पार्टी में कोई बगावत नहीं है, पूरी पार्टी अमित शाह जी और मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, कहीं से भी किसी संगठन कहीं किसी राज्य में या कहीं से भी कोई बगावती स्वर नहीं है। जिनको ऐसा लगता है कि जो जनता के लिए काम नहीं किए हैं उनको अब टिकट नहीं मिलने वाला है, तो वो दूसरी पार्टियों में टिकट तलाशने के लिए, अब उनके आकाओं को खुश करने के लिए कुछ मोदी जी के खिलाफ बोलने की कोशिश करते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज क्या किया कि हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। पिछली बार वो बेगूसराय से मांग रहे थे, उनको नवादा से दिया गया, और इस बार जहां से पार्टी तय करेगी, जिसके लिए कार्यकर्ता का यह मतलब है कि जो पार्टी का निर्देश हो वो पालन करेगा, और वो भी वरिष्ठ नेता है, निश्चित रूप से पार्टी जो तय करेगी उसको पालन करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी जो जनता दल यूनाइटेड के साथ जो गठबंधन बिहार में कर रही है, लोजपा के साथ जो गठबंधन कर रही है, उसमें जो सीटें जो बंटवारे में कट रही हैं, उनके जितने भी, चाहे वो अभी अश्विनी चौबे हों बक्सर से, चाहे वो नवादा से गिरिराज सिंह हों, चाहे आर के सिंह हों आरा से, इनमें एक दो सीटें कटने की संभावना है, जिनके ऊपर ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ डेंट लग सकता है। ऐसा नहीं है, जनता दल यूनाइटेड एक हमारा प्रमुख सहयोगी है, बीच में कुछ अप्रिय घटना हो गई थी, लेकिन हम 22 सीट पिछली बार जीते थे बिहार में, इस बार हमारे अलायंस हुए हैं, तो 7 सीटें पिछली बार रामविलास पासवान की पार्टी लड़ी थी, वो 6 पर आई है, हम 22 जीते थे, हम 17 पर आए हैं, और जेडीयू हमारी अलाई है, उनकी सरकार उनके मुख्यमंत्री हैं, तो उनको भी 17 दिया जा रहा है, 17, 17, 34, 6 उनको, 40 इस प्रकार से बंटवारा हुआ है। कभी भी किसी भी कार्यकर्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के पहले देश है, उसके बाद पार्टी है, तब हम स्वयं हैं। पार्टी के हित के लिए अपना बलिदान करना पड़ता है, देश के हित के लिए पार्टी का बलिदान करना पड़ता है। बलिया से हम किसको माने प्रत्याशी?
अब ये तो नेतृत्व का विषय है, मुझे इस विषय में कुछ कहने का अधिकार अभी नहीं है जब तक कि संसदीय केंद्रीय चुनाव समिति इसका निर्णय नहीं सुना देती है। और अगर सपा और बसपा गठबंधन अगर वहां से नीरज शेखर को उतारती है तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि लड़ाई काटे क्यों। कोई लड़ाई नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि उत्तर प्रदेश की जनता, चुनाव पार्टियां थोड़ी ही लड़ती है, चुनाव जनता लड़ती है। जिसको जिस पार्टी को जनता का विश्वास मिलता है वो पार्टी आगे निकलती है, और जनता पूरी तरीके से मोदी और योगी जी के साथ है, भाजपा के साथ है। कोई लड़ाई उत्तर प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें मिलेंगी भाजपा को? 80 के 80 इस बार रिकॉर्ड बनेगा, 80 के 80। फिर मैं अवसर आएगा तो चुनाव के बाद आपके स्टूडियो में आऊंगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार राहुल गांधी, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और डिंपल सबके सब चुनाव हारेंगे। आपकी ये भविष्यवाणी हम देखेंगे चुनाव के बाद। हम उम्मीद करते हैं कि आपसे हमारी मुलाकात होगी और इन विषयों पर फिर से बातचीत होगी। आनंद स्वरूप शुक्ला हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के विधायक और कद्दावर नेता, इन्होंने बेबाक तरीके से अपनी बात रखी। आनंद स्वरूप शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत और हम धन्यवाद उम्मीद करेंगे कि आप चुनाव के बाद फिर हमारे पास में। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे थे न्यूज़ 24x7 एंटरटेनमेंट, इस तरीके के जो डिबेट है, जो जो नरेटिव स्ट्रक्चर जो बन रहा है 2019 को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर, क्या नरेंद्र मोदी दोबारा आते हैं या कोई और विकल्प बनेगा? हम इस पर बार बार इन विषयों पर बात करते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 24x7 एंटरटेनमेंट। धन्यवाद।